क्या 27 अगस्त शरद यादव का जेडीयू में आखिरी दिन होगा? आखिर जेडीयू ने शरद यादव को कौन सा अल्टीमेटम दिया है? शरद यादव को लेकर अब जेडीयू ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। शरद यादव साझे विरासत बचाओ सम्मेलन में जिस तरह से नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधते रहे, उसे पार्टी ने गंभीरता से लिया है। जेडीयू ने जिस तरह से शरद यादव को अल्टीमेटम दिया है, उससे इतना तो साफ ही हो गया है कि शरद यादव का अब पार्टी से जाना करीब करीब तय है। शरद यादव के साझे विरासत बचाओ सम्मेलन में निशाना साधते हुए जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि लालू का साथ देकर शरद यादव परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं। शरद यादव को लेकर पार्टी का रुख साफ करते हुए पार्टी नेता केसी त्यागी ने कहा कि वो हमारे नेता रहे हैं, ऐसे में उनसे इस तरह के व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दो टूक कहा कि अगर शरद यादव 27 अगस्त को लालू की रैली में शामिल होते हैं तो ये जेडीयू में उनका आखिरी दिन होगा। इस दौरान केसी त्यागी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। गुलाम नबी आजाद के शरद यादव के जेडीयू को असली जेडीयू कहने पर केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस को नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के तोड़ने के नीतीश कुमार के फैसले से नाराज शरद यादव अब अपना अलग रास्ता चुनने की तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। बिहार के अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान जनता की नब्ज टटोलने के बाद शरद यादव ने 17 अगस्त को दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद समेत कई विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता शामिल हुए। जेडीयू के अल्टीमेटम के बाद अब सबकी नज़र 27 अगस्त को होने वाली लालू की रैली पर टिकी हुई है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि शरद यादव लालू की इस रैली में शामिल होते हैं या नहीं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।